अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनीता जी, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट अध्यात्म साधना केंद्र की ओर से। थैंक यू जगदेव, थैंक यू जगदेव राजू फॉर द वंडरफुल सेशन। एंड इस समय उपस्थित साधक गण को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सभी लोग अब तक मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द साधक लोगों के साधक प्रोफाइल आ चुके हैं, मेल्स आ चुकी हैं। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। और अभी कुछ एक लोग रह गए हैं, तो वो भी जल्द से जल्द अपना जो है फिल करके भेजें, सो उससे जो है हमें भी आसानी होगी। और सो आज का जो सेशन है, मैंने ये सोचा कि बेसिकली आपको डाइट चार्ट मैंने दे दिया कल, उसके बारे में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एंड में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और आज का विषय जो मैंने चुना है वो है 3 टिप्स फॉर डीलिंग विद डायबिटीज फ्रॉम नेचुरोपैथी, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के 3 ऐसे टिप्स हैं, और इतने सरल और इतने कारगर और इन द कंफर्ट ऑफ योर होम्स। इस समय लॉकडाउन में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हमारे सब बंद है, लेकिन ये ऐसे चमत्कारी जो है टिप्स है जो आप घर बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में इनकलकेट कर सकते हैं, और आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको निदान मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, कुछ पुराने साधक लोग हैं वो लोग जानते हैं, नए साधकों के लिए बता दूं, प्राकृतिक चिकित्सा एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड और ड्रगलेस सिस्टम ऑफ हीलिंग है। हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्ग उपचार, नेचर क्योर, नेचुरोपैथी, किसी भी नाम से बुला लें, इट इज एज ओल्ड एज नेचर इटसेल्फ। और प्रकृति ने हर जीव में एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, सेल्फ इंप्रूविंग कैपेसिटी और सेल्फ मेंटेनिंग कैपेसिटी जो है, ईश्वर जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे भीतर वो एक दिव्यता, एक शक्ति हमारे भीतर जो आ जाती है, जो हमें हर स्थिति में हमारे संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। एंड द टोटल डिपेंडेंस ऑन दिस क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज नेचर क्योर और नेचुरोपैथी। के हमें ये समझना है कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, ये तो हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारा हृदय 24/7 धड़क रहा है, इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम कॉन्शियसली हाँ प्राणायाम करते हैं तो हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी सांसें चल रही हैं उसमें हम जो है कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे। हमारे हमारे भीतर अगर खाते समय मान लीजिए कि हमारा फूड पाइप से अगर विंड पाइप में कभी खाने का नवाला चला जाता है, तो तुरंत हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करके हमें खांसी आती है और हमारी वो बाहर थ्रो करती है, वो हमारी जीवनी शक्ति है। हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उन 2 हड्डी के पीसेस को केवल आपस में जोड़कर और उसको स्टेबल पोजीशन में रखता है ताकि वो हिले जुले नहीं, लेकिन उसके भीतर जो मांस, मज्जा, हड्डी इतनी अपने आप और इतनी मोटी और मतलब इतनी शक्तिशाली हड्डी हमारी, मतलब ये प्राकृतिक शक्ति जो है वो अपने आप रिपेयर करती है। और हमारे कट्स, वूंड्स हो जाते हैं काम करते हुए, कुछ करते हुए, तो बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो अपनी दिव्यता पहचानिए और इस दिव्यता पर अपनी ये जो आजकल जो डिपेंडेंसी, देखिए 1947 तक हम जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम जो है अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हो गए हैं, तो क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस पे प्रण करें कि जितनी भी मेडिसिंस पे हमारी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे, देखिए एक साथ तो वो नहीं जाएगी क्योंकि बहुत टाइम से हमने अपने शरीर को उन दवाइयों का आदि बना दिया है, तो एकदम से खत्म करना तो घातक होगा,
तो हमें एक प्रण लेना है इस स्वतंत्रता दिवस पे कि हमें धीरे धीरे इन दवाइयों से हमें छुटकारा पाना है, टेपर आउट करनी है, और ये संभव है। हमने ऐसा किया है। आप लोगों से पहले कैंप में हमारे जब हमारे संस्था खुली हुई थी तो लोग आते थे और वहां शिविर में रहते थे 10-10 दिन, 7-7 दिन, और उनकी दवाइयां, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जिनकी 6-6 ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही थी, और 7 दिन के कैंप में जब वो वापस गए तो उनकी सारी दवाइयां छूट चुकी थी। तो ये एक मतलब इसका आपको प्रमाण जो है स्वयं मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो है उस प्राकृतिक शक्ति पे विश्वास करना है और अपने प्राकृतिक शक्ति को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? उसको राइट डाइट देकर, उसके भीतर जो एक होम्योस्टेसिस कह लीजिए, जो संतुलन का कार्य निरंतर हमारी जो बॉडी करती रहती है 24/7, चाहे वो पैरामीटर्स हमारे ब्लड शुगर के हैं, चाहे थायराइड के हैं, चाहे हमारे ब्लड प्रेशर के हैं, हर एक चीज का एक निर्धारित, चाहे टेम्परेचर है, तो वो संतुलन, वो इक्वानिमिटी जो हमारे अंदर शक्ति करती रहती है, बस हम जो है उसी को सपोर्ट करेंगे और वही हमारा गोल है। तो पहला सपोर्ट मैंने आपको डाइट के थ्रू बताया कि आपको डाइट इस तरह की दी है जो कि ना केवल एलिमिनेटिव डाइट है, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं ओवर द डेकेड्स इन द फॉर्म ऑफ, कई बार हमारा जो भोजन है अनपचा रह जाता है, पूरी तरह से मल निष्कासन नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, और या फिर हम बहुत सारी मेडिसिंस खाते हुए आए हैं बचपन से, तो वो केमिकल्स भी याद रखिए बरसों दशकों तक हमारे शरीर के भीतर जो है जमा होते रहते हैं और हमारे अंगों को प्रत्यंगों को हानि पहुंचाते रहते हैं और तभी जो है डिसीजेस होती हैं। तो भोजन का क्रम मैंने आपको इस तरह का बताया कि जो भी भोजन आपको खाना है वो लाइव खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स बहुत सारे बताए हैं, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, और थोड़ा सा हमने अन्न एक समय का कम किया है, रात को मैंने खा ली सूप, ताकि ये एलिमिनेटिव डाइट आपकी चल रही है, तो जो भीतर एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो आपके निकले, और ना केवल आपके टॉक्सिन्स निकालेगी वो डाइट, बल्कि आपको पुष्टि भी प्रदान करेगी, न्यूट्रिएंट्स भी देगी। क्योंकि याद रखिए कि जो रॉ डाइट होती है उसमें रिपेरेटिव मैकेनिज्म होता है, जितना कुक्ड फूड होता चला जाता है उसमें एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं, और जो पैकेज्ड गुड्स हैं उनका तो हार्मफुल इफेक्ट आप जानते ही हैं, एक्सेस शुगर्स एंड सॉल्ट्स। सो पैकेज्ड गुड्स आप प्लीज बिल्कुल ना प्रयोग करें। चलिए अब प्राकृतिक चिकित्सा की जो आज टिप्स की बात है, तो नंबर वन टिप क्या है? सबसे पहली टिप ये है आपका जो है, रोज आप स्नान करने जाते हैं बाथरूम में, आपको क्या करना है, बाथरूम में जाके कपड़े उतार के बड़ी तेजी से आपके पूरे शरीर का घर्षण करना है, इतनी तेजी से घर्षण करना है कि आपका शरीर लाल हो जाए। ये क्रिया जो है आपके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके पैर तक को आपको बहुत तेजी से रगड़ना है, एक घर्षण की क्रिया करनी है। इससे जो है पूरी बॉडी में एक हीट डेवलप होगी, और उसके बाद आप जो है ठंडे पानी से नहाइए। नहाने का पानी, कोशिश हमें ये करना है कि ताजे ठंडे पानी से ही नहाए, उससे जो स्फूर्ति और एक जो ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन जो बहुत छोटे हैं या बहुत कमजोर हैं या वृद्ध हैं, जिन्हें ज्यादा सर्दी लगती है, तो वो प्रिकॉशनरी हल्का उसमें इतना पानी मिलाएं बस कि उसकी ठंडक दूर हो जाए। ज्यादा गर्म पानी से नहाना हमारे लिए, सेहत के लिए घातक होता है। और ये एक सिंपल सी क्रिया है जो आपको अपनी डेली लाइफ में इनकल्केट करनी है, और इससे मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, बिकॉज इससे हमारा जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म है, सर से लेके पैर तक, इतना पेप अप और चार्ज्ड अप हो जाता है कि आपके मोर देन 50% जो रोग है, और ऐसा लोगों ने अनुभव पाया है, तो आप भी इसे अपनी जीवनचर्या में इनकल्केट करें। सो ये थी हमारी नंबर वन टिप। नंबर टू टिप जो आज की है वो है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न लपेट, जिसे बोलते हैं लपेट, मतलब कॉम्प्रेसेस। कॉम्प्रेसेस का मतलब ये होता है कि इसमें दो तरह की पट्टियां होती हैं। ये देखिए, ये है कॉटन की पट्टी,
आप लोग सब देख पा रहे हैं कितनी लंबी चौड़ी है, ये मैं आपको पेट की या कमर की लपेट इसको बोल सकते हैं। तो ये कॉटन की बैंडेज है जिसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं लगभग 12 से 15 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर के करीब होगी। सो ये एक कॉटन की बैंडेज होती है और ये एक वुलन, जो एक गर्म, जिन कपड़ों का जो गर्म मटेरियल होता है जिससे कंबल शॉल्स वगैरह बनती है, वो ये गर्म मटेरियल की उतनी, उससे थोड़ी सी बड़ी पट्टी, लेकिन चौड़ाई में भी थोड़ी सी उससे बड़ी और लंबाई में भी। अब ये तो आपका साधन है, देखिए ये आपको हमारे अध्यात्म साधना केंद्र से आपको ये लपेट उपलब्ध हो जाएगी। जो लोग भी ये लपेट खरीदना चाहते हैं वो अध्यात्म साधना केंद्र जाकर ये लपेट आप खरीद सकते हैं। अब ये तो साधन है, अब करना क्या है? करना आपको ये है कि सबसे पहले ये जो कॉटन की लपेट है इसको आपको पानी में डिप करना है, सादा पानी जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें डालकर, और उसको हमें निचोड़ देना है। कितना निचोड़ना है? ताकि इसमें से पानी ना टपके। और आपको जो नंगे बदन आपके पेट पर इसे जो है आपके बैंडेज की तरह पूरा 2-3 लपेट आपके पेट के इर्द गिर्द आपके ये आ जाएगा। इसके बाद ये जो ऊनी पट्टी है ये आपको, ये देखिए इस ऊनी पट्टी में साथ में नाड़े भी हैं ताकि वो उसको बांधने के बाद आप टाई करेंगे ताकि वो लपेट गिरे नहीं अपने स्थान से। तो इसे आपको उस गीली लपेट के ऊपर ये ऊनी लपेट जो है ये बांधनी है जो कि सूखी होगी, इसको आपको गीला नहीं करना। ये आपका बांधने का तरीका हो गया। बांधना जो है हमें ना तो बहुत टाइट बांधना है, इतना टाइट नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए और जैसे आप सॉक्स टाइट पहन लेते हैं तो वहां पे रेडनेस आ जाती है, इतना टाइट नहीं बांधना और इतना लूज भी नहीं बांधना कि वो आप अपनी जो दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं तो वो ढिलक जाए, अपनी स्थान से छूट के नीचे गिर जाए। तो मीडियम टाइटनेस जो है आपको इसकी रखनी है। अब इसका जो है लपेट का, ये अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग साइजेस की, फॉर एग्जाम्पल किसी को गले का, थायराइड का प्रॉब्लम, पैराथायराइड का प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम, या इन्फ्लेमेशन गले में है किसी भी प्रकार से, वोकल कॉर्ड्स में कोई दिक्कत है, तो गले की साइज की ये लपेट है। इसमें भी वही सिद्धांत है, ये है कॉटन की। देखिए इसका साइज क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गन, आपका किस अंग प्रत्यंग के लिए आप लपेट यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका लपेट का साइज होगा। पहले वही आपको ये गले को जो है इसको लपेट को आपको सादे पानी में आपको करना है, भिगोना है, निचोड़ना है, और फिर आप इस तरह से गले के इर्द गिर्द आप इसको पट्टी की तरह लपेट देंगे। उसके बाद ये गर्म पट्टी है, इसको आप उस भीगी हुई पट्टी के ऊपर लपेट देंगे। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इसको बांधना है कितनी देर, 40 मिनट तक। और कब बांधना है, इसको बांधना है ये जो पेट की लपेट है उसमें हमें विशेष सावधानी रखनी है कि भोजन के, अगर हमने हल्का भोजन किया है, नाश्ता किया है, तो उसके 1 घंटे बाद बांध सकते हैं। यदि हमने फुल मील, आपने लंच या डिनर किया है, तो आप उसके 3 घंटे बाद इसको बांध सकते हैं। आप बांध के उसके बाद अपना जो दैनिक क्रम है आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रात को जैसे 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो 10-10:30 तक आप ये लपेट बांध के सो भी सकते हैं, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये लपेट का कार्य आपका 40 मिनट में पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर आप ये ज्यादा देर बंधी भी रहेगी, ओवरनाइट भी अगर बांध के भी सो जाएंगे, इसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से मैंने आपको ये गले की लपेट दिखाई, उसी तरह से इससे थोड़ी सी चौड़ाई अगर आप और इसकी बना देंगे तो आपके ये घुटनों की लपेट बन जाएगी। कई बार अक्सर लोगों के घुटनों में दर्द होती है, तो ये सिंपल सी जो टेक्निक है वो घुटनों के दर्द के लिए बहुत 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 कारगर है। उसका प्रयोग करने के लिए उससे पहले मैं 1-2 टिप्स और देना चाहूंगी। जहां पे भी दर्द है वहां पर, चाहे वो घुटने में है, चाहे वो हाथ में है, चाहे वो कंधे में है, चाहे वो कमर में है, आप
50 ग्राम तिल का तेल लेके उसमें 6 कलियां लहसुन की पका के 5-10 मिनट, वो आपका पीड़ांतक तेल तैयार हो जाएगा, पीड़ाहारी तेल तैयार हो जाएगा। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद हल्का गुनगुना वो तेल दिन में 2 बार कम से कम आपको जो है ये वहां पर जो दर्द वाली जगह है वहां मसाज करेंगे, और धीरे धीरे हाथ से 10-15 मिनट्स तक जो पीडिंग जो पेनफुल एरिया है वहां पर ये मसाज कीजिए। उसके बाद मसाज करने के बाद वहां पर आप जो है सिकाई करिए हॉट वाटर बॉटल से, और उसके बाद ये लपेट बांधिए। तो इसका चमत्कारी ये 3 स्टेप फॉर क्योरिंग एनी पेन्स और एक्स, चाहे वो कमर है आपके, मान लीजिए कमर में दर्द है, तो सबसे पहले जो मैंने तेल बताया उसको अच्छे से 10-15 मिनट तक धीरे धीरे हाथों से मसाज करनी है, और उसके बाद आपको गर्म सिकाई कीजिए अपने हॉट वाटर बॉटल से, या हॉट वाटर बॉटल से नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है हॉट अपना बाथरूम में जाके गर्म गर्म आप जो है पानी शॉवर के नीचे, हॉट शॉवर के नीचे सिकाई कर सकते हैं, या कुछ मग्स वगैरह से पानी लेके बार 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 उस एरिया में, फॉर एग्जाम्पल आपके घुटनों में दर्द है, आप बाथरूम में जाके अपने मग से पानी बार बार डालते हुए अपने घुटने पे 10 मिनट तक गर्म गर्म पानी, तो वो एक तरह से सिकाई हो जाएगी। उसके बाद आप ये जो है लपेट बांध लीजिए। तो ये 3 स्टेप जो प्रोटोकॉल है किसी भी पेन्स और एक्स में आपको चमत्कारी लाभ देगा। अब जो है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में हम और सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, या हृदय का डॉक्टर, या किडनीज का डॉक्टर, इस तरह से डिमार्केशन या किसी अंग प्रत्यंग की जो है हम हीलिंग नहीं करते। हम पूरा सिस्टम एज अ होल, पूरा होलिस्टिक हीलिंग पर विश्वास करते हैं कि यदि कहीं रोग है तो उसकी जड़ से हमें उसको विकार को निकालना है। और जब तक देखिए मेडिसिन आप खाते हैं तो मेडिसिन से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है आपकी शुगर जो है 250 है, आपने मेडिसिन खाई वो 150 पे आ गई, तो आपका वो जो 100 शुगर था वो कहाँ गया, वो आपके भीतर ही है और आपके किडनीज और ऑर्गेन्स को आपको डैमेज कर रहा है। हमें ये बात समझनी है कि हमें जो है ये सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं चाहिए कि हमारे को जो है टेम्प्रेरी आराम मिल गया और हमें रोगों से निजात मिल गई। याद रखिए कि अगर दवाइयां ही हल होती समस्या का, तो आज हर वो व्यक्ति जो 10-15 साल से मेडिसिन खा रहा है उसे तो सबसे ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए था। तो क्या ऐसा है क्या, आप निरंतर दवाइयों के घेरे में चलते चले जाते हैं, उसका कभी एंड नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें प्राकृतिक तरीकों पे आना है। इसीलिए अब ये लपेट हमने होलिस्टिक हीलिंग करनी है, तो सबसे पहले जो हमारा रोग है, कोई भी रोग, वो हमारे पाचन तंत्र से शुरू होता है। तो इसीलिए सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, न केवल ये आपका जो है सबसे पहले जो रोगों का जड़ है वो हमारे स्टमक से शुरू होता है, हमारी आते हैं वहां मल है, विकार है, या हमारे पैनक्रियास, लिवर और किडनी स्लगिश हो गए हैं। तो जब आप पेट की लपेट ये नियमित बांधेंगे, डेली आपको ये बांधनी है लपेट, और इसका 40 मिनट्स बांधेंगे डेली, तो इसके चमत्कारी लाभ होंगे। चमत्कारी लाभ कैसे, जैसे जिनका बेली फैट है तो उनका वो जो फैट है वो कम होगा, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, डिस्पेप्सिया है, और ये जो स्लगिश हमारा जो डायबिटीज है उसमें पैनक्रियास जो है थोड़े शिथिल हो जाते हैं हमारा। अब ये डायबिटीज रोग खाली पैनक्रियास का ही नहीं है, इसमें लिवर का भी योगदान है, सबका एक टीम वर्क होता है, सारे ऑर्गन्स मिलजुल के करते हैं। तो इससे लपेट से न केवल आपका पाचन तंत्र, किडनीज, लिवर, पैनक्रियास और ये सब स्ट्रेंथन होंगे, और आपका सिस्टम धीरे धीरे, जब आपके सिस्टम से विकार निकलेंगे तो आपके सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। तो जो एक जैसे एक मुरझाए हुए पौधे में जब आप पानी, खाद, सनलाइट देते हैं तो वो धीरे धीरे वो फिर से
प्रफुल्लित होने लगता है, उसी प्रकार से जब आप ये स्लगिश इंटेस्टाइन्स है, हमारा स्टमक है, पैनक्रियास है, लीवर्स है, किडनी है, जो कि अपना कार्य जो है धीरे धीरे उनका बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स उनका जो उनके कार्य क्षमता है वो कम हो गई है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई। और इसी तरह से आप छाती की लपेट, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, तो वो चेस्ट पे भी ये लपेट बांध सकते हैं। चेस्ट पे लपेट पे बांधने का तरीका आपको इसकी मैं तस्वीर दे दूंगी कि आपको इस तरह से क्रॉस करके आप जैसे क्रॉस बैंडेज टाइप, ताकि आपका जो पूरा चेस्ट है इस तरह से लपेट बांधे, या आप पूरा सिंपल भी जैसे पेट पे लपेटी थी ऐसे ही आप चेस्ट के इर्द गिर्द बांध सकते हैं। तो ये एक ब्रोंको डायलेटर का काम करेगी, आपके ब्रोंक्यूल्स को खोलेगी, आपकी रेस्पिरेशन को भी इम्प्रूव करेगी। अब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, ये लपेट चमत्कारी कैसे है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है? तो जब आप ये लपेट बांधते हैं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं। नंबर वन कूलिंग इफेक्ट, नंबर टू न्यूट्रल इफेक्ट, एंड द थर्ड इज वार्म इफेक्ट या उष्णकारी। तो सबसे पहला जो हमें लपेट जब हमारी त्वचा पे, जब ये भीगी हुई पट्टी हमारी त्वचा को टच करती है तो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है। आप समझते हैं कि जहां पे ठंडक होगी वहां पर सिकुड़न होगी, तो जैसे ही ये ठंडी लपेट आपने बांधी, आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ी, तो वहां का ब्लड जो है भीतर इंटरनल ऑर्गेन्स में जाएगा, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन आपका इंटरनल ऑर्गेन्स में इम्प्रूव होगा ये। और शुरू में बांधते ही हल्की सी जो है आपको हल्की सी वो ठंडक सी भी लगेगी, लेकिन ये क्रिया आपकी 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहेगी, जिस समय के आपका जो है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और जो ब्लड है वो भीतर के आंतरिक अंगों में जाएगा और वहां का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। सेकेंड इफेक्ट इज द समकाली प्रभाव या फिर न्यूट्रल इफेक्ट। जब कुछ देर तक 15 से 20 मिनट तक, जब ये 10 मिनट तक जब ये लपेट बंधी रहती है, तो धीरे धीरे जो आपका बॉडी उसको मेंटेन करती है और फिर आपको ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, और वो धीरे धीरे बॉडी जो है उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी सामान्य होगा। अब जो इस लपेट के ऊपर जो थर्ड इफेक्ट आएगा वो आएगा उष्णकारी या वार्म इफेक्ट। जब ये आपने जो वार्म क्लॉथ, जो कि कंबल या किसी वार्म क्लॉथ का जो आपकी जो गर्म पट्टी बनी है, जो आपके उसके गीली पट्टी के ऊपर बांधी है, उसको बांधने की वजह से आपके शरीर में एक गर्माहट पैदा होगी, उसमें रोगी को गर्मी महसूस होने के साथ साथ वहां की जो है ब्लड वेसल्स जो है जो त्वचा की है वो डायलेट होंगी और भीतर से जो है ब्लड जो है सतह की ओर आएगा और उसमें जो है टॉक्सिन्स वो पसीने आपके शरीर में पसीना निकलेगा और वो टॉक्सिन्स जो है पसीने के रूप में बाहर निकलेंगे और कुछ टॉक्सिन्स जो है वो हमारे निष्कासक अंगों में किडनी में और वो पेशाब के थ्रू आपके निकलेंगे। इसीलिए कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी ये जो वाइट जो कॉटन की लपेट है ये मैली होनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद आपको 2-3 बार के प्रयोग के बाद आपको वॉश करना होगा इसे और धूप में अच्छे से सुखाना होगा, क्योंकि जो भीतर के टॉक्सिन्स है वो पसीने के रूप में सतह पर आएंगे और इस तरह से आपका जो है ये उष्णकारी प्रभाव होगा। और जब आपके शरीर से मल निकलेगा, आपकी ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो दो बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, एक तो आपके टॉक्सिन्स बड़ी तेजी से बाहर जाते हैं या निष्कासक अंगों के द्वारा निकलते हैं, और दूसरी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, देखिए ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है तो वो एक एक कोशा को सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स एक एक कोशा तक पहुंचेंगे और जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो वो ऑर्गन्स स्वस्थ होंगे, उनके भीतर एक नई स्फूर्ति आएगी और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको जो है कोई
एक्सटर्नल मेडिसिन की जरूरत नहीं है डायबिटीज या बीपी कंट्रोल करने के लिए, आपका स्वयं ही जो है वो कंट्रोल होने लगेगा। एक तीसरी और जो है टिप आज के लिए मैं और देना चाहूंगी, इसकी मैं जो है तस्वीर जो है जिसे हम कटी स्नान या हिप बात कहते हैं, उसमें आप यदि जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जा चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि ये टब होता है इस प्रकार से कि जिसमें बैठते हैं टांगे बाहर निकालते हैं और पानी आपका जो है नाभि तक, नाभि से बल्कि 2-3 इंच ऊपर तक पानी आप बैठेंगे टब में और वो पानी आपके वहां तक आएगा। ये पानी सादा होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, और इसमें 15 मिनट तक आप जो है पानी के टब में बैठते हैं और छोटे से टॉवल से आप जो है क्लॉकवाइज अपना जो नाभि के इर्द गिर्द मसाज करते हैं टॉवल से। ये 15 मिनट का कटी स्नान जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं चमत्कारी है हमारे पाचन तंत्र के ऑर्गन्स के लिए और हमारे जेनिटल्स के लिए, जितनी जननेंद्रियें हैं और जितना हमारा जो आते हैं और नाभि तक सारा पाचन तंत्र है, बहुत मिराकुलस इसमें बेनिफिट है कटी स्नान में। इसका तरीका क्या है, वही कि आपको खाली पेट, और इसका बेस्ट तरीका है कटी स्नान करने का, आज मैं ग्रुप में कटी स्नान या ये हिप बात के टब की एक तस्वीर डाल दूंगी जिसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप इसका घर बैठे प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन हमने 15 मिनट करनी है, इसको जो करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सुबह आप उठेंगे, उठ के आप अपना टॉयलेट वगैरह जाके 10-15 मिनट आप जो है इसको सबसे पहले यदि कर ले, उसके बाद आप वॉक करें या योगा करें, यानी कि वर्कआउट से पहले अगर हिप बात हम कर ले तो इसका चमत्कारी लाभ है। क्योंकि जब हम हिप बात में या कटी स्नान के टब में बैठते हैं हमारा नीचे जो लोअर पेल्विक एरिया है वो ठंडा हो जाता है, तो उसको गर्माहट पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, चाहे हम वॉक करें चाहे हम योग करें। और उसके बाद आप अपना जो है दैनिक क्रम, हिप बात के बाद जो है नहाना नहीं होता, आपको केवल अपना बदन पोंछ के और आपको कोई ना कोई कार्य, वॉक हो या एक्सरसाइज हो योगा हो, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी टिप्स आज आपको मैंने दी हैं, इसको आप डेली लाइफ में इनकलकेट कीजिए और इसके चमत्कारी लाभ का जो है फायदा उठाए। अच्छा अब जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं, यदि कोई क्वेश्चंस अगर है तो प्लीज। जी वो पहले वाली जो आपने जो टिप दी थी उस समय मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सबसे पहली टिप आज की मैंने दी थी आपका नहाने से पहले आप बाथरूम जाके कपड़े उतार के सबसे पहले आप घर्षण करेंगे, अपनी बॉडी को तेजी से रब करेंगे और सब अंगों को सर से लेके पैर तक एक एक अंग को इतना तेजी से रगड़ेंगे कि वो रेड हो जाए। इस जो एक्शन का जो रिएक्शन है वो ये होगा कि आपकी बॉडी में एक हीट जनरेट होगी और वो हीट जनरेट होगी और तुरंत उसके बाद आप पानी डालेंगे तो फिर बॉडी बड़ी तेजी से अपना जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो पैप अप हो जाएगा, रक्त संचार तेज हो जाएगा, और रक्त संचार तेज होने का मतलब है आपके टॉक्सिन्स बड़ी तेजी से निष्कासक अंगों की तरफ जाएंगे और या पसीने के थ्रू बाहर निकलेंगे और आपके एक एक कोशिका को पोषकता प्रदान होगी थ्रू द ब्लड, क्योंकि अब सर्कुलेशन पैप अप हो गया तो कोई रुकावट नहीं है तो वो टारगेट ऑर्गन को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलके वो स्वस्थ होगा। सो और बताएं क्वेश्चंस कोई किसी के मन में। ब्लैक सीड्स और सीसम सीड्स कैसे यूज करने हैं? हाँ जी एक मिनट रवि जी का आंसर दूंगी। रवि जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। अरे इतने ढीले से? नहीं नहीं पहले तो ये इतना ढीला जवाब क्यों? We are happy, we are blessed to be alive. So it's a great day. Thank God and be happy. और कोई पूछे कि कैसे हो तो बल्ले बल्ले, right? चलिए आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी।
चलिए तो फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड की आपने बात की, आपको इनको इनकलकेट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप 2 चम्मच फ्लैक्स सीड सिर्फ आधा घंटा भिगोएंगे, इससे ज्यादा भिगोने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा 2 चम्मच फ्लैक्स सीड भिगोए, उसको फिर मिक्सी में डाला 1 गिलास पानी, और उसको जो है आप उसमें थोड़ा सा जैगरी और नींबू डाल के फर्स्ट क्लास टेस्टी एंड हेल्दी ड्रिंक बना के बड़े आराम से पी सकते हैं। और यकीन मानिए ये मैंने खुद पिया है, बहुत ही फिलिंग होता है ये ड्रिंक, मतलब उसमें बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, और लेकिन आपको फ्लैक्स सीड के सारे गुण मिल जाएंगे विच आर लाइक काउंटलेस। आप मतलब आपको नेट्स वगैरह में सब मिल ही जाएंगे फ्लैक्स सीड के बेनिफिट। तो इस तरह से आप जो है उसका एक ड्रिंक बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेसमी सीड की। 2 चम्मच सेसमी सीड 1 ग्लास के लिए, और उसमें जो है आप पानी डालेंगे, पहले जिस पानी में वो भीगी हुई है तिल उसको पानी को फेंक देंगे, क्योंकि प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, और तो उसको थ्रो करके फिर उसमें फ्रेश पानी डाल के, और फिर आप उसमें कोई अपना मनपसंद फ्रूट डालिए, मैंगो डालिए और बनाना डालिए, और उसकी स्मूदी इतनी टेस्टी, और उसको मीठा करने के लिए आप थोड़ा सा नेचुरल ये जैगरी या डेट्स डाल सकते हैं। और आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आप डायबिटिक हैं तो आप मीठा जो है फल कैसे खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, यकीनन खा सकते हैं। अब नई साइंस ऑफ न्यूट्रिशन ये प्रूव किया है, दिल खोल के अब आम जा रहा है, जिन्होंने अभी तक नहीं खाए हैं खाइए, वो आपकी डायबिटीज। याद रखिए कि फ्रूट्स में 2 तरह का शुगर होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप आम खाएंगे और आप खाते ही अगर शुगर टेस्ट करेंगे तो वो थोड़ी हाई आएगी, तो आपको इमीडिएटली शुगर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन पूरा दिन में वो बॉडी अपने आप मेटाबोलाइज करेगी जो शुगर टेम्परेरी रेस फ्रूट ने किया है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मीठे फल खाइए और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, रादर इट विल हेल्प मेटाबोलाइज शुगर, जो हमारे फ्रूट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज सीधा ब्लड में मिल जाता है इसलिए टेम्परेरी रेज होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज बाकी शुगर को भी स्टेबल करने में मदद करता है। तो आप फल खाने में ना हिचकिचाएं, हिचकिचाएं तो चाय, बिस्किट, रस, ब्रेड, इन सब चीजों से, इनका सेवन ना करें, राइट? सो बताएं और कोई क्वेश्चन। सुनीता जी मुझे पूछना है। हाँ जी बताएं। जो आपने डाइट प्लान बताया है उसमें रोटी बिल्कुल भी बताई नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है या ज्वार रोटी चलेगी? इसमें ये कर सकते हैं कि जो हमने लंच में खिचड़ी दलिया वगैरह मैंने कहा है, तो आप उसकी जगह रोटी 1-2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि अनाज एक बार ही हो। जैसे मैंने शाम को रात के डिनर में आपको सूप्स दिए हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स होनी चाहिए या स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं और साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप 1 मील इस तरह से रखें, और 1 मील में यदि आप खिचड़ी दलिया नहीं खा रहे तो आप 1-2 रोटी खा सकते हैं विद लॉट्स ऑफ मतलब वेजिटेबल्स, ये घी या तोरी जितने वाटर रिच है, और जितने ये छोले राजमा और हैवी जो चीजें हैं उनको ना खा के वाटर रिच सब्जियां खाए। जी नहीं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कोशिश कीजिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको आने वाले सेशंस में मैं घर पे ही आप कैसे नट से मिल्क बना सकते हैं वो मैं आपको कल बताती हूँ। ओके आपने जो बादाम ऑयल नाक में डालने के लिए बोला है उसका आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्यों डालना है और कैसे अफेक्ट होता है? बिल्कुल, अब ये देखिए हमारे जो अंदर की लाइनिंग है वो ड्राई हो जाती है, तो वैसे तो हम योग में थ्रू आउट कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी नर्व्स जो है सशक्तिकरण होता है, जो नर्व्स हमारी है अंदर स्ट्रेंथन होती है, और दूसरी बात जो हमारे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, अब जो सर्दियों में है, सर्दियों में तो ये मैंडेटरी हर एक व्यक्ति को रात को सोते समय ये डालना ही चाहिए, तो आपके कफ, कोल्ड, एलर्जीज, इसमें आपको छुटकारा मिलेगा। और कभी आपको माइग्रेन है, हेडेक है बहुत तेज, आप सीधा सिर्फ ये बादाम रोगन नाक में डालिए और अपने टेम्पल्स पे धीरे धीरे बादाम रोगन की मसाज कीजिए, आपका हेडेक दूर हो जाएगा, माइग्रेन चला जाएगा, और ये जितने भी ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस या ब्लॉकेजेस हैं वो आपके लिए उसमें भी बहुत जबरदस्त काम करता है, तो इसके बहुत उपयोग।
थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग. अगला क्वेश्चन. या रमनीक डिसाइड. या रमनीक हाय बताए. या आई हैव टू क्वेश्चंस. वन इज नो आई हैव अ पेन ऑन दिस पार्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स. तो मैंने इट्स इनसाइड. तो जैसे अभी डेली रूटीन में देयर इज नो इशू. ऑल ऑफ सडन द पेन कम्स एंड द टोटल हैंड विल लाइक नथिंग. लगता है कुछ हाथ में है ही नहीं, कुछ भी जान भी नहीं है. देयर इज ओनली दिस पोर्शन. ओके. तो ये कोई एक्सीडेंट या क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ ऐसा. ओके. तो इसमें आप योग वगैरह एक्सरसाइज इस पार्ट में करते हुए दर्द होता है. देन आई विल गो फॉर इट. फॉर दिस पोर्शन हो दिस पोर्शन विल गिव अ पेन. तो अ लॉट ऑफ कंजेशन माइट बी देयर. तो धीरे धीरे करें जो भी करें. ओके. धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ानी है. और इसमें जो है आप वही जो तेल मैंने बताया है 3 स्टेप. Okay. आप पहले ऑयल जो तिल वाला बताया वो लगाएं, उसके बाद आप सिकाई करें, उसके बाद लपेट बांधे. यही okay. लपेट जो है आपके पूरा जो पोर्शन है उसमें आप जहां से लेके आपको जहां दर्द है अच्छा. आप इसको बांधिए और ये लपेट विल डू मिरेकुलसली बेनिफिट यू. या ओके. अदर थिंग इज यू हैव गिवन अ डाइट चार्ट टू मी. उस डाइट चार्ट में आपने 10 बजे बोला था प्रज्ञा पे पीने के लिए. प्रज्ञा पे. सो आई हैव टेकन अप. पर उससे पीने के साथ आई हैव बीन लॉट ऑफ हीट इज देयर नाउ इन द बॉडी. हां तो वो ये हां क्योंकि उसमें दालचीनी और वो सब चीजें हैं. तो जो देखिए कितनी भी प्राकृतिक चीज क्यों ना हो, अगर वो इस तरह से आपको लग रहा है तो आपको फिर उसको दूसरा आरोग्य पे है उसको ट्राई कीजिए. सौंफ वाला ना, दैट्स यू हैव गॉट सौंफ. हां हां सौंफ और मुलट्ठी वाला है वो ट्राई करें. याद रखिए नो मैटर हाउ नेचुरल एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम बिकॉज उसमें सब नेचुरल ही है. लेकिन आपको सूट कर रहा है कि नहीं, दैट यू आर द बेस्ट जज. आपको कैसा फील हो रहा है योर बॉडी विल टेल यू. स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी करो तो टोटल होल बॉडी इज फुल ऑफ स्वेट उसी ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम. बहुत गर्मी आती है उस टाइम खाते हुए. ओके. So I don't know why it happened. ये पेट की लपेट रेगुलर बांधिए प्लीज. अच्छा. पेट जी जी पेट की ये आपके संतुलन को जो है दोबारा रिस्टोर करेगी जो इम्बेलेंस क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ दिस. दिस इज अ इम्बेलेंस. सो टू रिस्टोर द बैलेंस प्लीज यूज दिस लपेट एंड कंप्रेस. ओके ओके. या थैंक यू मैडम. बोल रहा हूँ जैसा अभी आपने लपेट के बारे में बताया तो करिए क्योंकि सारी पेट मोटापा घटाएगी ये लपेट. आपका जो स्किन है वहां पे जो आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स या पैनक्रियास लीवर और किडनीज को पैप अप करेगी तो वो ऑब्वियसली उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके बीपी भी पड़ेगा. आने वाले कल या परसों में जो है मैं स्पेशल सेशन बीपी का लूंगी, उसमें जो नेचुरोपैथी टिप्स जो है वो क्या है वो. लेकिन आपके बीपी के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया जो है माइंड का जो मैनेजमेंट है स्ट्रेस लेवल विच इज द ग्रेटेस्ट कल्प्रेट. तो उसमें प्राणायाम अनुलोम विलोम. आप बीपी के लोगों को कपाल भाती ना करें आप, क्योंकि जो भी रिग्रस प्राणायाम है वो आपको नहीं करने. आपको बिल्कुल शांति प्रदान करने वाले प्राणायाम करने हैं. सो इस बात का ध्यान रखें. ठीक है. और आपके लिए शवासन योग निद्रा बिल्कुल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो आपका बीपी जो है. अगर कोई व्यक्ति डेली 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करता है, अगर आपको नहीं पता तो हमारे साधक आपको बता देंगे. 10 मिनट्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम रेगुलरली विल लाइक आपकी ये बीपी की समस्या का समाधान कर देंगे, खत्म कर देंगे. और बाकी नेचुरोपैथी टिप्स मैं अगले सेशन में. अगला क्वेश्चन प्लीज. जी मैडम छाछ पी सकते हैं क्या? अनिल जी हाँ अनिल जी, अभी मैं चाहूंगी कि अभी हम शोधक फेज में है. एलिमिनेटिव डाइट्स आपको दिए मैंने तो ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा सा हैम्पर करते हैं क्योंकि दे आर हार्ड टू डाइजेस्ट. तो अभी आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इस पर रहिए. कुछ एक हफ्ता तो कम से कम इस डाइट पे चलिए जो कि मेजॉरिटी. आप इसमें क्वांटिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 600 से 800, आपकी वेट अगर 70 किलो है आप तो 700 ग्राम, अगर 80 किलो है तो आप 800 ग्राम, इस तरह से आपका वो मिनिमम अमाउंट है, उतना फ्रूट आपको खाना है। अच्छा, फ्रूट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मीठा हो चाहे आम हो चाहे केला हो चाहे शरीफा हो, कोई भी फल खाइए। अगर आपका जो है लंच का टाइम है तो आप खूब सारी, आप 300-400 ग्राम सैलेड्स खाइए, खीरे टमाटर, और कभी बीच में स्मूदी आप ये क्या कहते हैं खीरे का जूस या उसमें पालक टमाटर चुकंदर इस तरह से मिक्स करके आप मिक्स वेजिटेबल जूस, तो सारा दिन आप यकीन मानिए कि आपके भीतर ये जो जितने भी नेचुरल फूड्स जाएंगे दे आर फुल ऑफ एंजाइम्स, और वो आपकी क्लेंजिंग, आपकी एलिमिनेशन करेंगे टॉक्सिन्स की, जो कि इस टाइम पर आपके लिए जो इनिशियल फेज ऑफ डाइट है आपका, वो अगले फेज में हम दूध की और दूध मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स तो मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करती, उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो जरूर आपको आप पाएंगे अगर आप इस डाइट पे, आपका ना केवल वजन भी देखेगा आप धीरे धीरे, आपके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाएगी, बहुत सारे लाभ होने, क्योंकि ये होलिस्टिक डाइट है, ये एक किसी, मैं सिर्फ डायबिटीज पे टारगेट नहीं कर रही, आपके पूरे सिस्टम को टारगेट कर रही हूँ, ताकि वो अंदर से भीतर से आप जड़ से स्वस्थ हो जाए, ताकि कोई भी परेशानी रहे ना जी। और हाँ, आप लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैंने बताया था 3 बार शुगर की रीडिंग, आप लोगों ने कॉपीज बना ली है अपनी, नोट कर रहे हैं रीडिंग्स, मेरे को किसी ने भेजी नहीं रीडिंग फास्टिंग, एक रीडिंग आई थी मेरे पास लेकिन सबकी नहीं आई है, आप मुझे पोस्ट कीजिए ताकि मुझे पता रहे। और क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं अ वर्ड ऑफ कॉशन दे रही हूँ यहाँ पर, ये डाइट ऐसी है कि आपका ब्लड शुगर डाउन आएगा ही आएगा, और फिर उस पे आप जितनी मेडिसिन खा रहे हैं अगर वो खाते रहेंगे तो यू मे गो इनटू हाइपोग्लाइसेमिक, सो यू नीड टू वॉच योर रीडिंग्स एंड टेपर द मेडिसिन अकॉर्डिंगली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीप अ वेरी गुड वॉच ऑन योर शुगर लेवल्स so that you may not go into hypoglycemia, which is more dangerous than high sugar, right? जी, अगला प्रश्न। हेलो, सुबह जी, सुबह ये लेने का है शुगर 6 बजे? 6 बजे, हाँ, मतलब जब भी आप उठे तो खाली पेट, अब तो आपका योगा सेशन 6:30 शुरू हो ही जाता है, तो उससे पहले, उससे पहले फास्टिंग शुगर का मतलब है खाली पेट आपका शुगर कितना है, ठीक, बिना खाए पिए, तो वो आप शुगर रीडिंग लीजिए, आप नोट कीजिए, और फिर जो है लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद। लेकिन इंसुलिन लेने वाले भी हमारे कैंप जो ग्रुप में है, उन लोगों ने नाश्ते के भी 2 घंटे बाद लेना है रीडिंग, वो लोग याद रखे, और बीपी की मेडिसिन जो भी खा रहे वो बीपी भी नोट करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, जी जी नमस्कार, नमस्कार सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कल मेरा बीपी बढ़ गया था बहुत, 237 और 148, ये किस समय हुआ? मुझे बहुत घबरा, ये हुआ मेरे करीब 8 बजे रात को, 8 बजे रात को 8 बजे, ओके, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सुबह से लेके रात तक में क्या हुआ, क्या मतलब? ये पता नहीं, मुझे थोड़ा सा घबराहट सी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कुछ मेरे को शरीर में कुछ हो रहा है, ओके, तो मेरे को बीपी की मशीन है, मैं नापा उससे, तो मेरा 168 और कुछ था, 102 नीचे का, तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो 237 और 148 हुआ। तो ये कोई स्ट्रेस था आपको, ये मैं उसकी वजह जानना चाह रही हूँ कि अचानक से, देखिए बीपी तब होता है या तो हमें बहुत गुस्सा आता है बॉडी तेज, या फिर कोई स्ट्रेस होता है, तो क्या कुछ ऐसी बात हुई थी कि जिसकी वजह से एकदम से शूट अप हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ कोई चीजें तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन। जी जी बिल्कुल, इस बात पे ही हमें ध्यान रखना है, हमें डीप ब्रीदिंग और ये जितने प्रयोग आपको कराए जा रहे हैं योग में, प्राणायाम के स्पेशली, इन पर विशेष ध्यान दीजिए, माइंड को रिलैक्स। अल्टीमेटली अगर आपने नो मैटर कितनी अच्छी डाइट खा लें, कितने अच्छे व्यायाम कर लें, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को मैनेज करना नहीं सीखा, अपने स्ट्रेस को,
अपने इमोशंस को, अपने भावों को संतुलन में रखना नहीं सीखा, और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड वॉच योर ब्रेथ. अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है, जैसे आपको लगा कि आपको डिसकंफर्ट हो रहा है, तो तुरंत जो है आपको डीप ब्रेथ, और या फिर आपको जो है क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी टिप है वो मैं कल बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस मैं ले लूँ आज. लेकिन ये आप स्ट्रेस का निवारण, देखिए सभी रोगों का जड़ जो है स्ट्रेस है, इसके निवारण का तरीका आपको समझना ही होगा. आपको ये अपने माइंड के विचारों पे और इन पर ध्यान देना होगा कि हमारे माइंड जो है हमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब माइंड हमारा बॉस हुआ हुआ है. तो क्या ये करेक्ट है? आप वो सब करते जा रहे हैं जो माइंड आपको डिक्टेट कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि वी शुड बी कंट्रोलिंग माइंड. माइंड को हम कंट्रोल करें, थॉट्स को वॉच कीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उससे ये कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव बदलिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए. अपना हर एक व्यक्ति अपना रात को सोते समय 5 ऐसी चीजों का ईश्वर से धन्यवाद करें. आप लोग मुझे लिख के भेजिए, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, सेंड मी, राइट डाउन 5 थिंग्स एंड यू सेंड इट टू मी अलोंग विद योर रीडिंग्स. आपका शुगर का, बीपी का रीडिंग के साथ आपको जो है मुझे ये लिख के भेजना है. टेल मी कि आज के दिन में मैं 5 चीजें ऐसी कौन सी हैं जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ. तो ये मुझे लिख के भेजिए. और हरीश चंद्र जी, मुझे बीटनेस महसूस होती है. जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी. आप अपना खान पान उचित रखिए, प्राकृतिक रखिए. अगर आपने इस डाइट पर रहे, आपका ब्लड शुगर लेवल गारंटेड नीचे आएगा. और साथ साथ आप ये डीप ब्रेथ, कुछ नहीं करना तो सिर्फ डीप ब्रेथ. आपके जितने बीपी की जिनको समस्या, उनको कोई भस्त्रिका, कोई कपालभाती, कोई रिग्रेस नहीं करना प्राणायाम. सिर्फ सूथिंग चीजें करनी है आपको, सिर्फ अनुलोम विलोम भ्रामरी करना है. ठीक है, इस बात का ध्यान. डॉक्टर साहब, मुझे वीकनेस भी महसूस होती है. जी वीकनेस होगी, जब बॉडी में अंदर सारा सिस्टम हेवायर हो जाएगा. तो आप शांत मन से, बिल्कुल चित्त को अपने शांत करके भोजन करें. अपने मन की जो डाइट में कुछ करना है क्या? नहीं, आपको जो दी हुई है, आपको अगर वीकनेस लगती है तो मैंने आज 2 स्मूदीज आपको बता दी. फ्लैक्स सीड की स्मूदी आप ड्रिंक पीजिए, और क्या कहते हैं, तिल के बीज की आप ड्रिंक बनाइए. तो अगर आपको दूध की कमी महसूस होती है तो आप उस समय ये ड्रिंक्स ले सकते हैं. भूखा नहीं रहना है. 3 मेजर मील खाने की जगह आप छोटे छोटे 6 भागों में डिवाइड कर दीजिए. किसी वक्त आप स्प्राउट्स खा लीजिए भर के बाउल, किसी वक्त आप सोक ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, और किसी वक्त आप फल लीजिए, किसी वक्त आप सैलड्स लीजिए, या वेजिटेबल जूस लीजिए, या फ्रूट जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, नारियल कच्चा खाइए. बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं मैंने आपको, लेकिन भूखा नहीं रहना है ताकि आपका शुगर डाउन नहीं आए. शुगर डाउन आएगा तो कमजोरी आएगी. तो आपको स्मॉल स्मॉल मील्स दिन में 6 बारी कम से कम खाइए, और हेल्दी खाइए. कोई भी जंक, कोई भी पैकेज गुड्स नहीं खाइए. लंच में मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको मान लो खिचड़ी दलिया खाने का, 1-2 दिन में आप ऊब जाएंगे, तो आप उसके बाद अपना वही 300-400 ग्राम सैलेड खाइए, उसके बाद अपनी रोटी सब्जी खाइए. इससे अगर आपको तसल्ली होती है, ठीक है, लेकिन खाते रहिए, हेल्दी खाइए. जी हाँ. सो हैव आई आंसर्ड एवरीबॉडीज क्वेश्चंस? यस. नमस्कार, गीता विश्वास बोल रही हूँ. डॉक्टर सुनीता जी, जी गीता जी. जी डॉक्टर सुनीता जी, जी नमस्कार. गीता जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? मैं देख नहीं पा रही आपको. चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज सुन सकती हूँ मैं. आप आवाज बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए. आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, बताएं. गीता जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तब तक कोई और यदि पूछना चाहे, कोई प्रश्न किसी के मन में हो. देखिए जी हाँ, जैसे आपने भोजन का दिया था, तो मैंने कल 2 बार में तो दलिया खाया था.
लेकिन रात में मैंने जो दो रोटी मैं सूखी रोटी खाता हूँ वो मैंने खाई ओके 12 बजे के आसपास में, और जो इंसुलिन लेता हूँ इंसुलिन जो मैं रात में मेरी 24 लिख हुई थी डॉक्टर ने, मैंने जान करके 30 ली। आवाज नहीं आ रही सरोगी जी आपकी। मैंने इंसुलिन जान करके 30 ली रात में। अच्छा जी। 12 बजे के आसपास मेरे को बहुत अनइजीनेस लगा। अच्छा मतलब जो है तो डाइजेस्टिव बिस्कुट 4 खाया जिसमें शुगर रहती है डाइजेस्टिव बिस्कुट वो खाया, उसके बाद फिर मेरे को ठीक लगा। और जब मैंने बिफोर ब्रेकफास्ट अपना फास्टिंग डे जो ब्लड शुगर टेस्ट किया तो 70। थोड़ा सा फोन ठीक रखिए, आपकी शक्ल नहीं आ रही फोन सब पोजीशन से। हाँ अब ठीक है। हाँ तो सुबह में जब फास्टिंग के ब्लड शुगर टेस्ट किया तो वो 75 आई। ओह तो दैट मींस कि आपकी मेडिकेशन इज ज्यादा, आपकी मेडिकेशन जो है आप ज्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा ना आपको टेपर करनी पड़ेगी नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे आप। अपने जो है अपने शुगर लेवल्स जो है वो इंसुलिन लेवल्स को कम करिए ताकि अपने डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके उनको वो इंटरफेरेंस मैं मेडिसिन की नहीं करूंगी लेकिन मैं ये जरूर करूंगी कि आपको मेडिसिन टेपर करनी पड़ जाएगी अगर आप इस डाइट पे आएंगे। और रात को जैसे अगर आपको भूख लगती है उस समय डाइजेस्टिव बिस्किट ना खा के अपने पास फल रखिए, केले रखिए अपने पास। जी हाँ सब लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप रात को अपने पास फ्रूट्स रखिए और जब अगर रात को भूख लगती है तो आप फल खाइए बजाय बिस्किट्स और उसके। और देखिए इसीलिए मैंने कहा कि आपको मेडिसिन टेपर करनी पड़ेगी, अगर आप इस डाइट के साथ मेडिसिन खाते रहेंगे आपका ब्लड शुगर इस तरह से बिलो नॉर्मल जाएगा। तो प्लीज माइंड यू आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज टेपर योर मेडिसिन अकॉर्डिंगली ताकि आपका हाइपोग्लाइसेमिक ना हो बिकॉज दिस डाइट इज इटसेल्फ नेचुरली प्रोवाइडिंग इंसुलिन। तो धीरे धीरे आपको जो है वो करना ही पड़ेगा। गीता जी जुड़ी क्या हमसे, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है गीता जी, तो मैं उनको कॉल कर लूंगी। कोई बात नहीं, उनका क्या प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे दूंगी। सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा है सभी से आज के सेशन को विराम देते हैं। और प्लीज प्लीज शो योर कमिटमेंट ये स्वतंत्रता दिवस पर जो है, एक तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल क्या है, कल तो अभी 15 तारीख है ना, तो कल की तो छुट्टी है वो तो आपको पता है, आपको मालूम चल गया कि कल कोई सेशन नहीं होगा, 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रण कीजिए कि हमें इन दवाइयों से स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन। जस्ट अपने मन में ये जो है प्रण ले लीजिए इस स्वतंत्रता दिवस पे कि अब इट्स हाई टाइम हमें इन दवाइयों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि स्वस्थता का रास्ता दवाइयां छोड़कर ही है। अगर दवाइयां ही आपके स्वस्थता का अगर पहुंचाती तो अब तक आप स्वस्थ हो चुके होते जो बरसों से दवाइयां खा रहे हैं। सही कह रही हूं मैं? तो इसका मतलब है कि दवाइयां हमारे स्वास्थ्य का रास्ता नहीं है, वो स्वस्थता का रास्ता हमारे भीतर है। बस अपनी दिव्यता को पहचानिए, उस शक्ति को पहचानिए और उसको मदद कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बाय बाय। अपने आप से लीव हो जाइए मैम। विजय मैम एंड का ऑप्शन आ रहा है, एंड को दबा दो।